नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में फिर से एक नया मोड़ आया है। ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया है और सोनिया गांधी को भी। इसको लेकर कांग्रेस जो है पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन कर रही है और इस धरना प्रदर्शन को कह रही है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्याग्रह। अरे भाई, पहले हमें यह बताओ कि महात्मा गांधी ने झूठ के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ कौन सा सत्याग्रह और कहाँ पर किया था, जरा बता दो हमें। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी, ये सारे तो सत्याग्रह किया था उन्होंने। अंग्रेज को भगाने के काम के लिए किया था उन्होंने, सच्चाई के लिए किया था उन्होंने, अहिंसा के लिए सत्याग्रह किया था। लेकिन यहां तो मानो कांग्रेस अब पूरी की पूरी उल्टी गंगा बहा रही है, कह रही है कि हम गांधी के मार्ग पे चल के सत्याग्रह कर रहे, क्योंकि ईडी जो है वो बिक चुकी है। ईडी अब सेंट्रल एजेंसी नहीं रही, ईडी जो है वो मोदी के इशारे पे चल रही है। हम थोड़ी देर में आपको राकेश सिन्हा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस, उनका बयान भी दिखाएंगे कि उन्होंने ईडी के बारे में क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले बात यहां पर आपको खबर बता दें कि ईडी ने राहुल गांधी को इससे तलब किया है। नेशनल हेराल्ड केस है, जब सत्ता पे थी कांग्रेस तब उन्होंने 90 करोड़ का कर्ज नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है उन्हें दिया था। ऐसा कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि राजनीतिक दल सरकार को कर्ज दे। आपको बता दें नेशनल हेराल्ड उस समय बहुत कर्ज में चल रहा था, इसलिए ये 90 करोड़ का जो लोन दिया गया है इसको लेकर आपको बता दें पहले भी ये लोग गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और सोनिया और राहुल गांधी दोनों जमानत पे रिहा है। अब ईडी अपना कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को आज तलब की, आज पूछताछ होगी। इसको लेकर ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन देश के कई अन्य हिस्सों में जारी है। इसके साथ ही कुछ प्लानिंग भी चल रहा है, सूत्रों के हवाले से शाम तक कुछ पुतला दहन भी कर सकते हैं मोदी जी का। लेकिन बात यहां पे है, ईडी जो है वो अपना काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड में पहले भी राहुल गांधी और सोनिया जी का नाम आ चुका है, तो ईडी को अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? कभी भी ईडी अगर एक विपक्षी को पकड़ती है तो हमेशा सवाल खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा सत्याग्रह, ये सत्याग्रह नहीं, ये झूठा ग्रह है। ऐसा सत्याग्रह देखकर महात्मा गांधी भी शर्मा जाए। महात्मा गांधी के नाम पे ये जो गंदगी फैलाई जा रही है सत्याग्रह नाम पे, देखना दिलचस्प होगा कि आगे नेशनल हेराल्ड में क्या कुछ निकल के आता है। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के सामने भी घुटने नहीं टेके। हम लोगों ने संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों को भी, ब्रिटिश हुकूमत को भी इस देश से बाहर करने का काम किया है। तो ये मोदी की सरकार क्या है? मोदी सरकार के आगे घुटने टेकने का काम हम लोग नहीं कर सकते। मोदी सरकार को उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे अपने संघर्ष की बदौलत। और जहाँ तक ईडी का प्रश्न है, तो 2014 के पहले ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में, निष्पक्ष एजेंसी के रूप में इस देश में काम कर रही थी। लेकिन 2014 के बाद मोदी की सरकार ने दबाव में लाकर ईडी का नाम ही परिवर्तित कर दिया। अब ईडी का मतलब लिमिटेड डेमोक्रेसी हो गया है। तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र और देश के संविधान का चयन जिस प्रकार 2014 के बाद से किया जा रहा है, यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है बल्कि इस देश का एक सजग प्रहरी के रूप में भी हम लोग काम करते हैं, तो हमारा संघर्ष बराबर ऐसे कुव्यवस्थाओं के खिलाफ चलता रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता है क्या? तरी पार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, तो अपने आप में भी पूछें। वो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाना अगर भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी है तो वो अपनी दुकान चलाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश से मोदी की हुकूमत को हम खत्म नहीं कर देते। तमाम ईडी को ले ले, इनकम टैक्स ले ले, सीबीआई ले ले, तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी आवाज को दबाने में लगा दिया है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने इन लोगों को अपनी अनुसंगिक इकाई के रूप में काम करने को रखा है। तो मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि सत्ता डेमोक्रेसी में आती जाती है। कल हमारी सत्ता थी, आज उनकी सत्ता है, कल हमारी सत्ता आएगी। लेकिन आपकी निष्पक्षता पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये ईडी सीबीआई के लोगों को भी सोचना होगा। जैसा आपने सुना कि राकेश सिन्हा ने कहा कि ये जो मोदी ईडी है, अब ये ईडी रही नहीं, एक्चुअली मोदी एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है कि नहीं है, 60-70 साल तो खुद कांग्रेस ने ही राज किया है, तो 60-70 राज करके एजेंट आखिर
ईडी को ऐसा किसने बनाया, क्या है, ये सारे डिसाइड करने वाले तो खैर आप है, हम तो सिर्फ खबर दिखाने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के साथ पूछताछ में क्या कुछ बाहर निकल के सामने आ सकता है। इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते ही जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।